চালক ক্ষমা গণিসা অপাদারু মারে দেশ। साढ़े एक बज गए हैं, आप ही सो जाइए। साइड पे जाना है, लेफ्ट राइट 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 भैया राइट, सीधा सीधे हाथ पे, सीधे हाथ पे, सीधे हाथ पे। हाँ हाँ अंदर ले लो ये, महको तो कुछ ऐसा महको शानदार। Oh,
से नचना। ओ दो नागिने यहाँ नाच रही है। क्या कर रहे हो तुम, झूल रहे हो रात को? कितना टाइम हो रहा पता है? और नींद क्यों नहीं आ रही? यहाँ मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी सुबह हो चुकी है, रात को तो यहाँ पे बारिश भी हुई थी। तो नीना मैम, नींद कैसी आई आपको? बहुत अच्छी। नीना मैम को बहुत अच्छी नींद आई, और नीना मैम ने डांस भी बहुत किया, हमने भी खूब सारा डांस किया, थकान भी, हाँ थक चुके हैं। तो अभी सुबह सुबह का यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा कैंप का नज़ारा कैसा है। और रात तो जैसलमेर में बारिश भी हुई थोड़ी थोड़ी सी। तो ये हमारे कैंप का नज़ारा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये हमारे बच्चे, इनकी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ कैंप में से। थोड़ा आपको इनसे मिला देते हैं, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। गुड मॉर्निंग दुरिया। गुड मॉर्निंग। ये दुरिया दिखाई क्यों नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? व्हाट हैपेंड? वाराओ, गुड मॉर्निंग, कैसी नींद आई दुरिया तुम्हें? मैम कल तो 3 बजे से उठे रहे हैं। मजा किया खूब? यस मैम, नीना मैम ने भी बहुत किया। हाँ आई नो, मैं तो थक चुकी थी, सो गई थी। नीना मैम फिर से उठ के आ गई। और सारे पार्टनर उठ गए या सो रहे हैं? सब सेम सो रहे हैं। मैम देयर इज नॉट नो हॉट वाटर कमिंग इन द टैप्स ऑफ बाथरूम। सो यू कैन डू ड्राई क्लीन? नो मैम। और यू वांट टू टेक बाथ ओनली? ये देखिए हमारे साफ सुथरे बच्चे, ये बिना नहाए एक भी दिन नहीं रहते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैं ये रह सकते हैं, मैं नहीं रह सकते। अच्छा ये रह सकते हैं, निया नहीं रह सकते? मैं भी नहीं रह सकती। ओहो हो हो, वाह भाई वाह। ये इमरजेंसी थी, बस में ट्रेवल कर रहे थे, हम कैंप में रुके हुए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो अभी हम इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा वाटर। राइट 1:30 बजे एक साउथर्न साइड से एक अंकल थे, तो वो कहते कि मैम 1:30 बज गए हैं, आप प्लीज सो जाइए, आपको सोना नहीं है, बाकी सबको सोना है। तुमने किसी को नहीं सोने दिया है? मैम मेरी क्या गलती होती है, मतलब गलती है। मतलब तुम सबने बहुत बातें करी है। मैम 11 बजे सो गए। सेम ईयर मैं भी जल्दी सो गई थी। हम तो सो गए, तुम लोग तो नो। अनीता भी हमारे साथ। हाँ इसे नींद नहीं आ रही थी अनीता को। जहाँ सूरज जाकर सबसे पहले डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। गुड मॉर्निंग। तो हम यहाँ पे रूफ टॉप कैंप पे बैठ के चाय का मजा ले रहे हैं। मतलब सुबह सुबह ना चाय की चुस्कियों के साथ में, मतलब कि एक अलग ही आनंद आता है सच में। और वो भी मतलब कि जैसलमेर जैसे रेगिस्तान के बीच में, और आप कैंप दे सकते हैं। त्याग जी कितने बजे सोए थे रात? मैं तो सो गई थी 12 बजे 2:30 बजे। और नीना मैम ने और भी जागरण करा सोने के लिए थोड़ी आए थे। अच्छा भैया बच्चे के साथ सोने के लिए आए हैं। और चाय भी मतलब लाजवाब है। सोने के लिए नहीं आए, हम एंजॉय करने के लिए आए। तो हाँ वैसे अगर इस तरह जाते हैं तो अपने एंजॉय करें बस, और क्या बस। सो तो घर पे भी लेंगे, और क्या सोना घर पे जाके मजा। पर आप, मैं दोस्तों आपको एक कैंप का व्यू दिखा देता हूँ। ये वाकई में लाजवाब है कैंप पे खास। तो अभी हम आपको ना एक टेंट में भी लेके चलेंगे, वहाँ का पूरा सेटअप दिखाएंगे। और जो इसका टाइमिंग है, जो जितने भी टेंट है यहाँ पे, जैसे हमें पता चला था तो यहाँ पे पूरे जैसलमेर में 450 के आसपास
ये कंपनीज जो टेंट का मतलब कि अरेंजमेंट करती हैं, और ये आपका 6 मंथ्स के लिए रहता है, और अप्रैल से क्या है कि सेटअप हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि सब कुछ झुलस जाता है। तो आप देख सकते हैं व्यू, देखिए कितना प्यारा आ रहा है। और सर्दी तो वैसे कम है यहाँ पे अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो अभी कल बादल आ गए थे और मतलब जैसे 4-5 दिन पहले तो भयंकर वाली सर्दी थी। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब जो कैंप पे खास है, यहाँ पे एक बार इंजॉय करने के लिए ज़रूर आएँ। मतलब कि टॉप 10 ये कैंप में आता है जितने भी यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। और जो आपने देखा होगा कि रात का जो प्रोग्राम हुआ था कल्चर, क्या गज़ब वाला प्रोग्राम था, तो बस उसके लिए एक लाइक ज़रूर दबाएँ। वो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों अभी ना हमें यहाँ के एक एम्प्लॉय, उन्होंने बेर दिए थे, तो उन्हीं बेर की तलाश में हम फिर रहे हैं यहाँ पे। नीना मैम पता नहीं हमें कहाँ ले जा रही हैं, और दे नहीं मैम मुझे लगे है नहीं इधर है, पर वो कह रहे थे ना कि हमारी बेरी है, तो उसी बेरी की तलाश में हम फिर रहे हैं। सच में इतना टेस्टी था ना वो खट्टा मीठा जो टेस्ट आ रहा था, हाँ हाँ लाजवाब बिल्कुल। सूखे में ही होते हैं बेर है? सूखा जा होता है ना। हाँ सूखा ये है नहीं, मुझे पता नहीं कि कहीं और अलग बेरी होगी, इधर नहीं है तो हमें बेर नहीं मिले हैं। वी आर वेरी सॉरी फॉर यू। तो अभी देखते हैं कुछ और एक्टिविटी, धंधा काम धंधा करते हैं, लगे हुए हैं हम पूरा यहाँ की, हम एक एक चीज को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। खेती भी हो रही है इधर पीछे है ना। हाँ ये रही खेती, यहाँ पे एसी वैसे मतलब सारी फैसिलिटी है कैंप टेंट के अंदर। अभी हम वैसे आपको विजिट कराएंगे थोड़ी देर में, चले त्यागी जी। ये देखो वो बैठे बैठे सो रही है, ये रात को तो सोई है 3 बजे और अब तुम बैठे बैठे सो रही हो। कितना अच्छा लुक है यार, सच में बहुत अच्छा लुक दिया गया। हाँ ये देखो, और यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एरिया है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ग्रीनरी भी अच्छी लग रही है, और मतलब कि यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। देखो वहाँ पे एक बैठने का अरेंजमेंट है, तो लोग मतलब कि काफ़ी लेट नाइट तक अपने इंजॉय करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। तो देखिए ये सेटअप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तब रात को यहाँ पे बैठिए, अपना बातें कीजिए, सच में मतलब मज़ा आ जाएगा। तो कैंप पे खास है जहाँ पे यहाँ पे आपको हर फैसिलिटी मिलेगी और मतलब मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों भाई हम बस टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अंदर का सेटअप हम आपको दिखाएंगे। तो ये है टेंट नंबर 37, ये देखिए बाहर का आप व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो हमने ले लिया है मनोज जी को अपने साथ में, तो ये हमें दिखाएंगे अंदर का सेटअप, और थोड़ा सा कुछ हम इनसे बातें भी जानेंगे। तो आप जैसे आप एंट्री करेंगे यहाँ पे आपको 2 चेयर्स मिलेंगी, ये देखिए यहाँ पे आराम से बैठ के गप्पे आँख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए चलिए तो हम टेंट के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों मनोज जी हमारे साथ में, हम इनसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। तो सबसे पहले आप ना हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका एक राजस्थानी स्टाइल में आप कैसे उनका स्वागत करोगे? चलो खमा गणिसा और पधारो हमारे देश, ये होता हमारा वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो मेहमान जैसे हमारे अंदर आते हैं उनका ढोल थाली टीका वेलकम करते हैं, तो उनको एक अलग ही फील होता है, जैसे ढोल बजाते हैं और एक वेलकम लेडीज हमारे राजस्थानी कपड़ा से उनको टीका लगा के अंदर लेते हैं। फिर वो अपने 7 बजे अपना राजस्थानी फोक डांस होता है, काल बेलिया डांस करते हैं, हवाई डांस करते हैं, तो उनको गेस्ट को अलग ही मजा आता है, एक्सपीरियंस एक नोकल मतलब कैसे वो हमारा सॉन्ग है हमारा राजस्थानी वो बजाते हैं। उसके बाद डीजे ग्रुप डीजे भी इंजॉय करते हैं, अपना खाना भी राजस्थानी स्टाइल से, जैसे कैर सांगरी हो गया है, दाल बाटी यहाँ का फेमस है राजस्थानी वो भी है, तो अलग ही मजा आता है उनको। मतलब जो खास कैंप पे खास है वाकई में बहुत सी चीजें खास है। और दोस्तों ऐसा आपने वीडियो में देख लिया होगा कि मतलब कि जो इवनिंग जो एक पार्टी कल्चर जो प्रोग्राम होता है वो वाकई में लाजवाब है, बहुत शानदार था। और मतलब एक जो एक मतलब रॉयल लुक आता है
जैसे होटल में तो चार दीवार पूरा बंद रहता है, वैसे घर में भी पूरा होटल जैसा रूम रहता है, ड्रेसिंग रूम वगैरह सब पूरा। और टेंट का तो एक अलग ही मजा एक्सपीरियंस होता है, और टेंट में इतना मिलता ही नहीं मौका जो भी एक दो ट्रिप ऐसा कहीं जगह होता है टेंट, जैसे शिमला हो या अपने जैसलमेर में डेजर्ट में हमारे यहाँ से, तो मजा अलग ही होता है टेंट का खास। तो वाकई में हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और मज़ा आ रहा है, बच्चों को मज़ा आ रहा है। तो बस एक बार आप भी आइए और इस टेंट के लिए, इस खूबसूरत अरेंजमेंट के लिए बस एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है त्यागी जी, और कुछ कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आके ना आप टेंट का भी फील ले सकते हैं विद ऑल फैसिलिटीज। टेंट का मतलब ये नहीं है कि वे टेंट में बैठ गए और वहाँ पे कोई फैसिलिटीज है नहीं, यहाँ पे टेंट का भी मजा है और साथ में सारी फैसिलिटीज भी है। एसी है यहाँ पे, रूम हीटर है यहाँ पे, प्रॉपर बेड है यहाँ पे, सिटिंग के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। मतलब मेरा तो एक ड्रीम था टेंट में रहने का, वो यहाँ पे फुलफिल हो गया विद ऑल इंजॉयमेंट। यहाँ पे वॉशरूम भी है, यहाँ पे टॉयलेट भी है, क्लीनिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सारी चीजें अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैट वगैरह है नीचे और क्लीनिंग भी है बहुत ज्यादा, हाइजीन है, मतलब एक आपको घर वाला फील भी आएगा। साफ सफाई बहुत ज्यादा प्रॉपर है और जो इनका ये जो डिजाइनिंग है टेंट की, तो बहुत ही सच में यार बड़ी अच्छी लग रही है, डिजाइनिंग बहुत प्यारी है, मतलब बहुत अच्छा लुक दिया है। वाकई लगता है कि कुछ काम किया है इसमें, सोच समझ के मतलब ये सारा ऑर्गेनाइज किया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। तो एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, अगर मेरा बस चले तो मैं कम से कम यहाँ पे 2-4 महीने इन टेंट में ही रह जाऊँ सच में। तो अभी हम कैंप पे खास से निकल रहे हैं और हम इन सभी को थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे आके फैमिली जैसा एक्सपीरियंस हमने किया है और बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। इंजॉय किया आप सभी ने? वेरी नाइस। यस सर, इसने सबसे ज्यादा इंजॉय किया है। चलिए थैंक यू सर, चलो। अपने अपने झोले उठा के। हेलो हेलो, खुशी थक गई हो क्या? यस मैम, इतना भारी बैग है मेरा। नाम बताए मम्मा, क्या क्या भर के लाई तुम? खुशी से डाल दिया मम्मा ने, जो भी जो कि पहनने की जरूरत पड़ी नहीं है। हाँ। और ये देखिए बच्चे अपने अपने सामान उठा के लेके जा रहे हैं। वाह भाई वाह। और ये हमारी प्यारी सी बच्ची निर्वैर,